हेलो नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से यहाँ पे लिंक कर पाओगे अपने पीसी अपने जो है मोबाइल फ़ोन से। ये दोस्तों काफ़ी इजी स्टेप्स मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। आप जो है अगर आपको कोई नॉलेज भी नहीं है कि आप कैसे वेबसाइट खोलना और यहाँ पर फिलिंग कैसे करते हो वो सब अगर आप नहीं रखते हो तब भी यहाँ पर कर सकते हो। और यहाँ पर बिल्कुल आप जो है अपना थोड़ा समय देंगे तो हो जाएगा। कहीं आपको शॉप्स में यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, अपने फ़ोन पर ही कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक आधार कार्ड पैन कार्ड की और जो है अपने जो है मोबाइल नंबर की, जिस मोबाइल नंबर पे यहाँ पे अगर आधार कार्ड का पैन कार्ड का नंबर लिंक है। इसके बाद आपको करना क्या है, जस्ट अपनी वेबसाइट के यहाँ पे ओपन कर लेना है। उसको करने के लिए अपना जो है ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हो। इस वेबसाइट पे आ जाना है। अगर आपको नहीं आप पता है इस वेबसाइट पे कैसे आना, तो यहाँ पे google.com पे यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। google.com में आप जैसे यहाँ पे सर्च करते हो आपको जो है यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक यहाँ पे जैसे सर्च करोगे आपको यहाँ पे इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट देने को मिल जाती है। इस पर आपको जो है क्लिक करोगे तो आपको इस वेबसाइट पे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आते ही दोस्तों सबसे पहले अपना जो है आधार कार्ड स्टेटस यहाँ पे देख लेना है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ आधार कार्ड स्टेटस कैसे देखते हैं। तो उसके लिए अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपने पास रख लीजिए और जैसे यहाँ पे पेज आपका लोड होता है आपको यहाँ पे एंटर कर देना है डिटेल्स। तो जैसे आप इस वेबसाइट पे आ जाते हो अपना यहाँ पे फटाफट पैन कार्ड डिटेल यहाँ पे फिल कर देना है। मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड फिल कर देता हूँ और आधार कार्ड का यहाँ पे नीचे जो है फिल कर देता हूँ। ऑलरेडी मेरा यहाँ पे जो है फिल करके दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत लोगों के यहाँ पे जो है अपडेट किया हूँ, तो इसीलिए लिंकिंग की वजह से यहाँ पे काफ़ी डिटेल मुझे देखने को मिल जाते हैं। अपना यहाँ पे सही सही से पूरा डाल देना। मैं अपना यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। और यहाँ पे आपको जो है वैलिडेट आधार कार्ड स्टेटस पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अगर आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे विंडो देने को मिल जाता है या फिर किसी और प्रकार के यहाँ का विंडो देने को मिल जाता है, जस्ट वहाँ पे लिखा हो कि आधार कार्ड पैन कार्ड लिंकिंग फेल या फिर यहाँ पे नॉट लिंक, तो यहाँ पे आप छोड़ के चुपचाप चले जाइए अपने उसी वेबसाइट पर जिस पर आपने पहले आए थे। तो यहाँ पर जैसे ही आते हो यहाँ पर आपको जो है लिंकिंग का स्टेप्स मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको लिंक आधार पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप लिंक आधार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेम वेबसाइट आपको फिर से खुलेगी, लेकिन इसमें आपको जो है अपडेट करने यानी लिंक करने का यहाँ पे ऑप्शन देने को मिल जाते हैं। तो जैसे ही वेबसाइट यहाँ पे लोड हो जाती है आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड आधार कार्ड फिन नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे पहुँचते हो आपको करना क्या है, यहाँ पे अपना पैन कार्ड डिटेल फिल कर देना है और नीचे जो है अपना आधार कार्ड यहाँ पे नंबर फिल कर देना है। तो मैं फटाफट अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। पैन कार्ड नंबर मैंने डाल दिया, अब आधार कार्ड नंबर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का विंडो यहाँ पे पॉपअप होगा, तो आपको यहाँ पे जो है कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं आपको नेक्स्ट वेबसाइट पर यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा यानी नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर फिर से अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करना है। मैं फटाफट अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर फिल कर देता हूँ। और इस वाले में भी आपको जो अपना पैन कार्ड कंफर्म करना, तो मैं फटाफट अपना पैन कार्ड का नंबर फिर से यहाँ पे फिल कर देता हूँ। और फिर नीचे आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। दोस्तों ये मैं बता देता हूँ, आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो भी आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड से यहाँ पे लिंक करा है। कोई दूसरा यहाँ पे आप मोबाइल नंबर मत यूज़ करना वरना आपको बाद में आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो मैं फटाफट अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको जो है कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो आपको अपने जो है मोबाइल पे यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी आता है, वो ओटीपी यहाँ पे आपको फिल कर देना। मैं फटाफट ओटीपी फिल कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप ओटीपी फिल करेंगे कंटिन्यू पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे कंफर्म सक्सेसफुली यहाँ पे आपका ओटीपी जो है एंटर हो चुका है, तो आपको यहाँ पे जस्ट कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे जो है फटाफट क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद आपको इस जो है वेबसाइट के पेज पे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको जो है ये फ्री अदर पेमेंट और एसटीटी सीटीटी
ये जो भी ऑप्शन है इन्हें इग्नोर करना है। इनकम टैक्स के ऑप्शन पे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको जो है इस जो है वेबसाइट पे आ जाओगे, यानी नेक्स्ट पेज भी आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 2023 से 2024 तक के बीच में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है टाइप पेमेंट का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको अदर रिसिप्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ये दो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे कंटिन्यू का बटन देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे जो है कंटिन्यू दबा देना है आपको सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है पेमेंट का विंडो खुल जाता है। तो इस विंडो में आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं। और नीचे यहाँ पे आपको जो है 1000 रुपीज यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन देने को मिलता है। तो आपको जो है यहाँ पे 1000 रुपीज पेमेंट पे आपको क्लिक करना है पे नाउ पे। और जस्ट जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे छोटा सा जो है वार्निंग, यानी जो है टर्म्स कंडीशन का जो भी यहाँ पे सिचुएशन आपको देने को मिल जाता है, इस पे आपको एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट का मेथड पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे पेमेंट गेटवे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, और यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब आपको अगर कोई भी यहाँ पे चॉइस पसंद आती है, आपको थोड़ा नॉलेज भी है कैसे करना है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है तो मैं जो बोलता हूँ वो करिए, आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे जो है रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कनाडा बैंक और यहाँ पे जो है कोटक महिंद्रा बैंक में से दोनों में से एक चॉइस कर लेना है। अपने मनपसंद चॉइस के साथ, ऑप्शन के साथ जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे कनाडा बैंक अभी जो है फिलहाल चॉइस करता हूँ। ये नहीं है कि आपका SBI है, ICICI बैंक है तो आपका ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो उसकी टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आपको दोनों में से कुछ कोई भी एक यहाँ पे चूज कर लेना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कनाडा बैंक जो है क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पेमेंट का मेथड भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, UPI ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप फोनपे, गूगल पे, पेटीएम, नॉर्मल जो भी है भारत पे, आप उससे यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो जस्ट स्कैनिंग की मदद से। तो अगर आपको नहीं आता है वो सब, नहीं करने आता टेक्निक्स कैसे करना है, तो आप जस्ट मेरे मेथड को फॉलो करिए। यहाँ पे जो है कार्ड का ऑप्शन देने को मिलता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो, जो कि 1000 रुपीज यहाँ पे देने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ जो है कार्ड्स के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आपको कार्ड की डिटेल, जैसे कार्ड नंबर, एक्सपायरी, CVV और जो भी नेम है आपका कार्ड के ऊपर जैसे है, यहाँ पे आपको एंटर करना है। यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको OTP आपके फोन पे जाएगा, जो भी बैंक से लिंक है, तो उस बैंक के जो है फोन नंबर पे आपको यहाँ पे OTP आता है। तो यहाँ पे एंटर करना है, कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ से आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना क्या है ये मैं आगे भी बता रहा हूँ, उसे भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको काफ़ी आसानी हो। तो इसके बाद जैसे ही आपका यहाँ पे पेमेंट हो जाता है तो आपको करना क्या है, तो आपका पेमेंट जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट होता है तो आपको फिर से अपने वही वेबसाइट पे आ जाना जो मैंने पहले आपको बताया था। उस पर आने के बाद आपको यहाँ पे लिंक आधार स्टेटस देने को मिल जाता है, तो उसे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है लिंक स्टेटस पे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सिंपली अपना आधार कार्ड और जो है पैन कार्ड का नंबर्स पूछेगा, तो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। मैं यहाँ पे फटाफट जो है एंटर कर देता हूँ, आप भी यहाँ पे एंटर कर लेना। तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है और यहाँ पे आपको व्यू लिंक स्टेटस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अपना जो है नेम एज पर पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ पर पैन कार्ड, और उसके बाद यहाँ पे नेम देना है आपको, एंटर करना है एज पर आधार कार्ड पे जैसा आपका नेम है यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे दो ऑप्शंस आते हैं, आपको यहाँ पे डिफॉल्ट जो है रहने देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे लिंक आधार का ऑप्शन नीचे देने को मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे कुछ इस तरह का जो है वेरिफिकेशन आ जाता है, यानी कि जो है आपका आधार कार्ड हो चुका है, पेमेंट हो चुका है, और यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक
कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइनल विंडो देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब आपका जो है पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो चुका है, आपने पेमेंट कर दिया है और यहाँ पे कोई भी और आपको चीज करने की जरूरत नहीं है। तो देखा दोस्तों, काफी आसानी से यहाँ पे आप कर सकते हो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक। तो पता ना आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको कोई डाउट आता है इस प्रोसेस में तो आप मुझे जो कमेंट कर सकते हो, वहां मैं आपको जो है गाइड कर दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत ईजी है दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पेमेंट करके यहाँ पे कर सकते हो। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद लाई हो ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबा देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।